नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। हमने लास्ट लेक्चर में सैटरडे को मिसल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके कुछ क्वेश्चन अपन कर चुके थे। आज अपन चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन, 42 किलोग्राम के मिसल में दो प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता है। एक्स का मान ज्ञात करना। अभी तक क्या कर रहे थे अपन? पहली वस्तु में घटा रहे थे या बढ़ा रहे थे, या दूसरी वस्तु घटाया बढ़ा रहे थे। आज के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? दोनों वस्तुओं को घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। 42 किलोग्राम के मिश्रण में दो प्रकार के चावल है, पहला मान लिया ए है, दूसरा बी है। कितने अनुपात में? 4:3 में। 42 किलोग्राम है, टोटल अनुपात क्या होगा? 4:3। ये कितना हो जाएगा? 42 × 4 और बचे में 4 × 7 = 42, 6×6=24। ए हो गया अपन 24, बी कितना हो जाएगा? 42 × 3/7, 7×6=18, ठीक है? ए और बी के लगभग मात्रा आ गई 24 किलोग्राम और 18 किलोग्राम। अब क्या कह रहे हो? दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते, तो क्या दोनों x किलोग्राम कम मिलाए, पहले में से x माइनस करो, दूसरे में से भी x माइनस करेंगे, ठीक है? दोनों में से x माइनस, क्या हो गया अनुपात? 7:5 हो जाता है, बराबर 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया? 5×24 में 5×20 हासिल, 2×5 = 10, 2×12 -5x। 18 × 7 करेंगे, 7×8=56 हासिल, 5×7=5=12 -7x, ठीक है? इसको सोल्व करेंगे, 120 साइड आएगा कैसा हो जाएगा? माइनस का, और 7x साइड आएगा तो प्लस का। 7x - 5x = 126 -120। यहाँ से 2x = क्या बचेगा? 6। 2 से 6 कटेगा, x = 3। मतलब 3 किलोग्राम कम मिलाया गया होता तो अपना अनुपात क्या होता? 7:5। कैसे किया? ए का मान निकाला, 42 में से ये कितना हो जाएगा? 42×4/7=24 kg। बी हो जाएगा 18 kg। x किलोग्राम कम मिलाएगा तो दोनों में से अपन ने क्या कर दिया? x माइनस कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा? 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व किया तो x का मान मिल गया 3। अब ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए? क्या क्या है अपना? एल्कोहल और पानी का 50 लीटर मिश्रण है, दोनों का अनुपात पहले कितना दिया? 2:3। एल्कोहल कितना हो जाएगा 50 में? 50×2/2 = 5, 10×2=20। 20 लीटर हो गया अपना एल्कोहल। पानी कितना हो जाएगा? 50×3/5, 30 लीटर हो जाएगा अपना पानी। अब वो क्या कहे? दोनों कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। अब दोनों की बढ़ानी, मान लीजिए पर x मात्रा बढ़ा दी जाए तो एल्कोहल में भी प्लस x और पानी में भी प्लस x, बराबर क्या हो जाएगा? 5/7, ठीक है? अनुपात कितना हो रहा है? उनका अनुपात 5:7 हो जाएगा। कैसी गुणा करेंगे? 7×2=14, 140 + 7x। 5 कैसे में करेंगे तो 5×3=15, 150 + 5x, 5x साइड जाए कैसा हो जाएगा? माइनस का, और 140 साइड जाएंगे तो माइनस की। यहाँ क्या बचेगा? 2x = 7, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी अपन को 5। मतलब 5 लीटर मात्रा बढ़ा दें दोनों की तो क्या हो जाएगा अपना अनुपात? 5:7 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता क्रमशः 5:2 है और 8:5 है। दोनों मिश्र धातु के अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। क्या है? दो मिश्र धातु है, उनमें तांबा और जस्ता की दो मिश्र धातु है। अब उन मिश्र धातु को मिला के भी अपन एक और नई मिश्र धातु बनाएंगे तो उसमें अनुपात दिया अपन को, और दो पहले मिश्र धातु दी तो उनको किस अनुपात में, जे अपन को बताना है। लेकिन नई जो बस नई धातु बन रही जो मिश्र, उसका अनुपात हमने अपन को दे दिया, लेकिन जिन्हें दिया जो पहले से दो मिश्र धातु उनको किस अनुपात में मिलाए, ठीक है? वही अपन को निकालना है। क्या होगा? तांबा और जस्ता है, जब मिश्र इनको मिक्स करेंगे तो तांबे में तांबा मिक्स होगा और जस्ता में जस्ता मिक्स होगा, तांबे में जस्ता मिक्स नहीं होगा। तो अपन वैसे ही करते हैं, तांबे में तांबा मिक्स होगा, तांबा तांबा ले लेंगे, या फिर जस्ता जस्ता और सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं? मान लीजिए एक मिश्र धातु ये है, एक बी है, ए में तांबा देख लेंगे अपन कितना है, और बी में भी अपन क्या देख लेंगे? तांबा या जस्ता। ए में अगर तांबा देख रहे तो बी में भी तांबा देखना, ए में जस्ता देखेंगे तो बी में भी जस्ता ही देखना अपन। ए में तांबा कितना हो जाएगा?
अनुपात कितना दिया, 5:2 पहले में अनुपात कितना है 5:2, दूसरे में कितना अनुपात है 8:5। ठीक है, तो पहले में तांबा कितना हो जाएगा, पहला है तांबा दूसरा है जस्ता, तो 5 और बटे में कितने का भाग देते, दोनों को जोड़ के 5/7। पहले में तांबा हो गया अपना 5/7, दूसरे में तांबा कितना हो जाएगा 8 और 8/5 13, 8/13 दोनों में अपने तांबा निकाल दिया। बीच में क्या रखेंगे, जो लास्ट में जैसे धातु बन रही उसमें तांबा, जब पहले में तांबा दूसरे में तांबा तो बीच में भी क्या होना चाहिए अपना तांबा। इसमें 9/4 है, 9 क्या है तांबा, 4 है जस्ता, तांबे का तांबा कितना हो जाएगा 9/9 = 13। किसी की मात्रा क्या निकालते, पहले टोटल में जितना भाग हुआ है वो ऊपर नीचे पूरा भाग, तो 9/13 ऐसे यहाँ 5/7 8/13। इसको सॉल्व करेंगे 8/13 में 9/13 से 8/13 में कितना बचेगा 1/13, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 5/7 - 9/13, ऐसे लेके सॉल्व करेंगे कितना आएगा 91 एलसीएम, 7 से देंगे 13 बार 13 × 65, 13 से देंगे 7 बार 9 × 7 = 63, कितना आ जाएगा 2/91। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या निकल आया 1/13 = 2/91। इसको सरल करेंगे अपन तो 13 × 13 = 13, 13 × 13 = 91। यहाँ क्या बचा 1 × 7, एलसीएम कितना आएगा 1 और 7 का 7, 7 से दोनों में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 7/2, 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7, उससे करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7/2। एक बार देख लेते, दो मिश्र धातु थी उनको मिला के तीसरी मिश्र धातु बनानी, तीनों के अपन को अनुपात दिया, जी नहीं बताया तो पहली है उनको किस अनुपात में मिलाना है, तो अपन किसी एक को देके कर लेंगे, तांबा जस्ता है तो या तांबा ले लो या फिर जस्ता ले लो, हमने तांबा लिया, तांबा पहले में कितना हो गया 5/2 है, तो पहले तांबा कितना हो जाएगा 5/7, तांबा ऊपर अपॉन में टोटल 5/7, दूसरे में तांबा कितना हो जाएगा 8/13, बीच में कितना आएगा 9 मिश्र धातु बनी उसमें कितना तांबा हो जाएगा 9/13। इनको सॉल्व करेंगे तो आया 1/13, यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या 2/91, रेशियो आ गए 1/13 / 2/91, इसको सरल करेंगे 13 से कटा 7/13 = 91, यहाँ बचा 2/7, 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 7, 7 का दोनों में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7/2। ऐसे दूसरा देख लेते, एल्कोहल पानी के दो मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 था 7/6, दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिला दे कि नए मिश्रण में एल्कोहल पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। ठीक है, क्या है दो मिश्रण है, एक ए है एक बी है, एल्कोहल पानी के मिश्रण है, पहले में अनुपात क्या है एल्कोहल पानी का 5:2, दूसरे में क्या है 7:6, तो इसमें एल्कोहल निकाल लेंगे अपन, एल्कोहल से करते हैं और इसमें भी एल्कोहल निकालेंगे, कितना हो जाएगा इसमें एल्कोहल 5/5 × 2 = 7, इसमें कितना हो जाएगा एल्कोहल 7/7 × 6 = 13। अब क्या कह रहे हैं वो पानी का अनुपात, एल्कोहल पानी का अनुपात 8/5, जो नया मिश्रण है उसमें कितना हो जाएगा 8/5, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा 8/8 × 5 = 13, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ कितना बचेगा फिर 1/13, यहाँ कितना बचेगा 5/7 - 8/13, एलसीएम आएगा 91, 13 × 13 = 65, 7 × 7 = 56। ठीक है, कितना बचेगा हटाने पे 9/91, अनुपात क्या आ गया अपना 1/13 / 9/91, 13/7 = 91, फिर एलसीएम लेके गुणा करेंगे क्या हो जाएगा अनुपात 7/9, 7 का इसमें गुणा किया और 7 का इसमें गुणा किया, 1 तो अपना 7 में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 9 बचेगा 7/9 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या सोने और तांबे के दो मिश्र धातु क्रमशः 7:2 तथा 7:9 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, दोनों मिश्र धातु के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती, बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। दो मिश्र धातु दी है, उन दोनों को समान मात्रा में लेंगे, जैसे एक केजी एक धातु दूसरी भी 1 kg, उनको मिला के तीसरी अपन को बनानी है, तो उसमें जो वस्तु है पहले से दो मिश्र धातु में उनमें उनका अनुपात क्या होगा वो अपन को बताना है। सोने और तांबे के दो मिश्र धातु क्रमशः 7:2 / 7:11 के अनुपात में,
तो देखेंगे पहले में सोना कितना है, सोना और तांबा है, दो में से धातु है, पहले में सोना देखेंगे दूसरे में सोना देखेंगे, पहले में तांबा और दूसरे में तांबा, क्योंकि अपन को पता है जब भी अपन मिश्र धातु मिलाएंगे सोने में सोना मिक्स होगा और तांबे में तांबा मिक्स होगा। अगर सोने सोने को अलग कर दें, तांबे तांबे को अलग, उनका अनुपात निकालें तो जो इनका अनुपात होगा वही तीसरी मिश्र धातु का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि अपन को मिला क्या रहा है, अपन सोना और तांबा ही तो मिला रहे, ठीक है। तो पहली मिश्र धातु में सोना कितना हो जाएगा, पहली मिश्र धातु में 7:2, तो इसमें सोना कितना हो जाएगा, ऐसे कर दे, एक मिश्र धातु हो गई एक बी, अनुपात कितना है इसका 7:2, और बी का कितना है 7:11, ठीक है। क्या क्या है इसमें, सोना और तांबा, सोना तांबा, इसमें भी क्या है सोना और तांबा, इसमें सोने की मात्रा कितनी हो जाएगी, 7 सोना है और टोटल कितना है 7 और 2 9, ठीक है। इसमें तांबा कितना हो जाएगा, 2/7 और 2 9, ऐसे इसमें सोना कितना हो जाएगा 7/7 और 11 18, तांबा कितना हो जाएगा 11/18। दोनों में सोने और तांबे की अलग अलग मात्रा अपन ने निकाल दी, अब क्या करेंगे दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करेंगे क्या होगा, सोने में सोना मिक्स होगा और तांबे में तांबा मिक्स होगा, नई मिश्र धातु में सोना कितना हो जाएगा 7/9 + 7/18, तांबा कितना हो जाएगा 2/9 + 11/18, इनका रेशियो निकाल सॉल्व करेंगे इसे कितना आएगा 18 LCM कितना हो गया 14 + 7 = 21/18, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 18 LCM 4 + 11 = 15/18, इनका रेशियो निकाल क्या आएगा 21/18 / 15/18, 18 से 18 कैंसिल, 30 + 7 = 21 + 5 = 15, रेशियो क्या आ गया अपना 7:5, मतलब नई मिश्र धातु में इनका अनुपात क्या हो जाएगा 7:5 का हो जाएगा। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 के अनुपात में है, दो बर्तन है एक ए एक बी, पहले में अनुपात क्या है 5:3 और दूसरे में क्या है 2:3, पहले में स्प्रिट कितना निकल आएगा स्प्रिट और पानी, दूसरे में भी स्प्रिट और पान, देखो सेम पहले इस क्वेश्चन की तरह करेंगे, स्प्रिट क्या आ जाएगा इसमें 5/5 और 3/8, पानी कितना हो जाएगा 3/5 और 3/8, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 2/2 और 3/5, पानी हो जाएगा 3/5, अब क्या करेंगे जब इनको अपन मिक्स करेंगे तो स्प्रिट में स्प्रिट मिक्स होगा और पानी में पानी, क्या हो जाएगा स्प्रिट और ये पानी, करो मिक्स, स्प्रिट में 5/8 + 2/5, ठीक है, पानी कितना हो जाएगा 3/8 + 3/5, एलसीएम इसका कितना एलसीएम आएगा इसका 8/5 = 40, ठीक है। एलसीएम आएगा 40 × 8/5 = 25, और 5 से देंगे तो 5 × 40 = 8 × 2 = 16, यहाँ इसमें भी कितना आएगा एलसीएम 40 करेंगे 8/5 = 5 × 15, 5 × 40 = 8 × 24, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41, और ये कितना हो जाएगा 39, अपना रेशियो आ जाएगा 41:39, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकाल कर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर द्रव निकाल कर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, और यह क्रिया कितनी बार 3 बार की गई, अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा है, पर क्या करेंगे कोई द्रव रहेगा उसमें से एक मात्रा निकालेंगे उतना ही पानी डाल देंगे, फिर दोबारा उतनी मात्रा निकालेंगे फिर पानी डाल देंगे फिर निकालेंगे, ऐसी पर क्रिया करते हैं तो अपन लास्ट में पूछा जाएगा उसमें द्रव की मात्रा प्योर द्रव है जो उसकी मात्रा कितनी रह गई है, तो अपन उसको कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका अंत में बर्तन में द्रव की मात्रा
क्या हो जाएगी, x x माइनस y अपॉन x की पावर n। ठीक है, देखो x क्या है, y क्या है और n क्या है, ये अपन देखते हैं। किसी बर्तन 50 लीटर द्रव रखा गया है, ठीक है, 50 लीटर क्या हो जाएगा जी, x का मान, मतलब प्रारंभिक मात्रा जो रहेगी, जो स्टार्ट में क्वेश्चन में दी रहेगी, वो x का मान हो जाएगी। तो अपन रखते हैं x का मान 50। फिर वो क्या कह रहे हैं, उसमें से 5 लीटर द्रव निकाल के तुम्हारी दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, फिर 5 लीटर निकाल के फिर दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, और क्रिया कितनी बार कर रहे हो, 3 बार। क्रिया जितनी बार होगी वो क्या हो जाएगा अपना एन, ठीक है, और जितनी मात्रा अपन निकालेंगे वो क्या हो जाएगी अपनी वाई। जी अपन कितने लीटर निकाल रहे हैं, 5 लीटर द्रव निकाले तो क्या हो जाएगा अपना वाई का मान। तो क्या रखें, एक्स का मान 50, वाई का मान 5, एक्स का मान 50। कितनी बार क्रिया की अपन ने, 3 बार, तो एन का मान 3। सोल्व करेंगे इसको, 50 माइनस होगा तो कितना, 45/50 इंटू 45/50 इंटू 45/50, 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे। सोल्व करेंगे इसको, 50 से 1 50 कैंसिल, 5 नाम 45 5 धाम 50 5 नाम 45 5 धाम 50 और कटेगा, 5 नाम 45 5 दूनी 10। इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 729/20। 2 से भाग उसमें कितना आएगा, 2 3 6 1 2 6 12 2 4 8 और 1 2 दशमलव लगा के नीचे बचेगा 10। 2 से कैंसिल करेंगे, कितना होगा, 324.5/10 तो कितना आ जाएगा, 36.45 लीटर। लास्ट में द्रव की मात्रा कितनी बचेगी, 36.45 लीटर। ठीक है, कैसे किया अपन ने, सीधे फॉर्मूला लगाया, x x माइनस y अपॉन x की पावर है, x क्या है, जो प्रारंभ में अपने बर्तन में मात्रा है वो x हो जाएगा, y जितना अपन हर बार निकाल रहे हैं वो y हो जाएगी, और जितनी बार इस क्रिया को अपन करेंगे वो n हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक सी मात्रा अपन हर बार निकाल रहे थे, अब अगले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, अलग अलग मात्रा निकालेंगे, फिर कैसे करते हैं, क्या है, एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल के इतना ही पानी डाला गया, इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया, पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और इतना ही पानी डाला गया, अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा निकाल ली है, तो अंत में बर्तन में मात्रा, बर्तन में द्रव की मात्रा क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या प्रारंभिक मात्रा जो होती है, प्रारंभिक मात्रा क्या मानते हैं, एक्स ने मान लिया एक्स, अब वो क्या कह रहा है, द्रव में से कितनी मात्रा 5 लीटर निकाल ले, पहले तो मान लिया, पहले निकाल ली उन्हें ए मात्रा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, फिर क्या निकालेंगे वो बी मात्रा ऑन एक्स, फिर क्या निकालेंगे, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स, ऐसे डॉट 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 अपन जितनी बार होगी क्रिया उतनी बार अपन इसको ले ले, एक्स माइनस डी अपॉन एक्स, एक्स माइनस ई अपॉन एक्स, एक्स माइनस जितनी बार हो जाएगी अपन ऐसे ही घटाते जाएंगे। क्या है इसमें पहले 40 लीटर द्रव में मात्रा थी, स्टार्ट में 40x का मान, फिर 40 में पहली का कितना निकाला, 5 लीटर ग्लिसरीन निकाली, तो माइनस 5 अपॉन में कितनी, टोटल 40 प्रारंभिक मात्रा। प्रूव क्या कर रहे, फिर कितनी निकाल ले, 10 लीटर, तो 40 माइनस 10, देखो 5 लीटर निकाला होगा तो 5 लीटर ने डाला भी होगा तो अपनी मात्रा तो अपनी हुई रहेगी ना 40, फिर उन्होंने 10 लीटर निकाला तो 10/40, फिर 40 माइनस, फिर कितना निकाल ले, 8 और फिर 10। सॉल्व करेंगे इसको, 40 × 35/40 × 30/40 इंटू कितना बचेगा, 32/40। ठीक है दोस्तों, 40 से 40 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 8 32, 8 5 40 और 5 7 35, 7 3 कितना हो गया, 21। मतलब लास्ट में ग्लिसरीन की मात्रा बचेगी 21 लीटर। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें थी एक सी मात्रा तो क्या कर दिया था अपन ने, पावर है, इसमें क्या है अलग अलग मात्रा है तो अपन ने अलग अलग उनका गुणा कर दिया। इस फॉर्मूले से आप इस पे भी जा सकते हैं, अगर ए का मान बी का मान सी का मान बराबर है, यहाँ पे रखेंगे x-5 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 तो क्या हो जाएगी अपने आप x-5 की हर 3 हो जाएगी, तो अपन डायरेक्ट इस पे भी इसको कर सकते हैं, हर बार मात्रा 5 5 है तो अपन ए का मान भी 5 रख देंगे, बी का मान भी 5, सी का मान भी 5, तो अपन यहाँ पे पहुंच जाएंगे वापस। ठीक है, तो अपन इससे इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप और लगाने का प्रयास करें, और जो क्वेश्चन ना आए उन्हें आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।